हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको सेवई बनाना सिखा रही हूँ बिल्कुल नए और यूनिक तरीके से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने दूध बॉयल करके रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, इसमें घी ऐड करूंगी। आप लोग चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मेरे घर में घी था तो मैं घी का ही प्रयोग कर रही हूँ। अब जब घी गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ी डाल दूंगी और इसको रेड होने तक भूनूंगी। और एक तरफ मेरा दूध बॉयल हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। ये मेरी सेवैया लाल हो गई है, देख ही रहे हैं बिल्कुल कितना खिला खिला रेड कलर आया है। इससे ज्यादा इसको रेड नहीं करना है। और मेरा दूध भी हो ही चला है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी बॉयल हो गया है। सेवई को मैं ऐड करूंगी। और इसी कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और बीच में सेवैया को चलाते रहेंगे ताकि ये फंसे ना, बिल्कुल खिली खिली सेवई बने। देख रहे हैं कितनी अच्छी उबाल आ रही है सेवई में, आप सब देख सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को भी हमें साइड रख देंगे। अभी मेरी सेवई हो गई है, अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। सेवई के अकॉर्डिंग मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, मैं बाकी लोगों को जो सर्व करूंगी तो ऊपर से ऐड करके दूंगी। आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और टेस्टी होगा। देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरीके से मेरे सेवई बन के तैयार हो गई है। खीर एकदम फूली फूली नमकीन पूड़ियाँ बन रही है जो सेवई के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।